दो एकम दो, दो दुनी चार। गरिमा बिटिया, ये लो गरमा गरम जलेबी खाओ। गरिमा की माँ, कहाँ हो तुम? जरा इधर तो आओ। बाबा, आप आ गए? अरे वाह, जलेबियाँ। तुम्हें बहुत पसंद है ना बिटिया? क्या हुआ जी, आज आप बड़े खुश लग रही हैं। बात ही कुछ ऐसी है, जिन साहब के यहाँ मैं माली का काम करता हूँ ना, उनकी बीवी प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल है। मैंने साहब से अपनी बिटिया की बात की थी, उन्होंने प्राइवेट स्कूल में हमारी बिटिया का एडमिशन करवा दिया है और कोई एडमिशन फीस भी नहीं लगेगी। अरे वाह, आपके साहब और उनकी बीवी तो बहुत अच्छी है। अब तो हमारी गरिमा बिटिया प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाएगी। हाँ हाँ, देखना, पढ़ लिख कर हमारी बिटिया हमारा नाम रोशन करेगी। रामलाल और उसकी पत्नी सुनीता दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उनकी बेटी गरिमा ये सब सुन उदास खड़ी थी। तभी रामलाल बोला, क्या हुआ गरिमा बिटिया, तुम उदास क्यों हो गई? क्या तुम खुश नहीं हो कि तुम अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ोगी और पटर पटर इंग्लिश बोलोगी? बाबा, सब मेरे काले रंग का मजाक उड़ाते हैं। सब कहते हैं मैं काली हूँ और मेरे काले नागिन जैसे बाल है। ये कहकर पहले वाले सरकारी स्कूल में सभी मुझ पर हंसते थे। मुझे पता है प्राइवेट स्कूल में भी सभी मेरी हंसी उड़ाएंगे। नहीं बिटिया, वो शहर का बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ कोई तुम्हारी हंसी नहीं उड़ाएगा। तुम्हें वहाँ बहुत अच्छा लगेगा, देखना। गरिमा का रंग काला था, लेकिन उसके बाल बहुत सुंदर, लंबे और घने थे। गरिमा को उसके काले रंग की वजह से बहुत सुनना पड़ता था और अब वो नए स्कूल में जाते हुए बहुत डर रही थी, लेकिन माता पिता के समझाने पर वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। जब वो स्कूल पहुंची तो सभी बच्चे और टीचर घूर घूर कर गरिमा को देखने लगे। जब गरिमा अपनी क्लास में गई तो सभी बच्चे उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। तभी उनमें से एक लड़की बोली, अरे भागो यहाँ से, इस लड़की की शक्ल तो देखो, बिल्कुल काली चुड़ैल लग रही है। हाँ यार, इसका रंग कितना काला है और इसके लंबे बाल कितने डरावनी लग रही है। क्लास के सभी बच्चे गरिमा को देखकर चुड़ैल चुड़ैल कहकर क्लास से बाहर भागने लगे। ये सुन गरिमा बुरी तरह रोने लगी। तभी उनकी क्लास टीचर मोनिका वहाँ आई और बच्चों को डांटते हुए बोली, ये क्या शोर मचा रखा है, चलो सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। और तुम लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम क्या बात है, काली होने के साथ साथ दिमाग से पैदल भी हो क्या? पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा, कितनी बदसूरत हो तुम, चलो जाकर अपनी सीट पर बैठो। तभी वहाँ पर एक और टीचर आई जिनका नाम था जानवी। वो गरिमा को क्लास में बैठा हुआ देख टीचर मोनिका से बोली, मोनिका मैडम, ये काली लड़की क्या न्यू एडमिशन है? हाँ जानवी मैडम, आज ही आई है। लेकिन इस गरीब काली लड़की का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कैसे हुआ? दरअसल इस लड़की के पिता प्रिंसिपल मैडम के घर में माली का काम करते हैं, इसलिए प्रिंसिपल मैडम ने तरस खाकर इस काली लड़की का एडमिशन फ्री में करवा दिया है। ओ, लेकिन इस लड़की का भले ही रंग काला है पर बाल देखो कितने लंबे हैं। वैसे एक बात बोलूं, जरा कान ही धड़ाना। ये कहते हुए टीचर जानवी ने मोनिका के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर टीचर मोनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर अगले दिन से टीचर मोनिका का व्यवहार गरिमा के प्रति बिल्कुल बदल गया। गरिमा बेटा, क्या तुम स्कूल में मेरी हेल्प के लिए थोड़ी देर रुक सकती हो? मेरी अलमारी थोड़ी फैली हुई है, क्या तुम मेरी अलमारी में सामान सेट करने में मेरी मदद कर सकती हो? जी मैडम जी, मैं रुक जाऊंगी, मुझे तो अच्छा लगेगा आपकी मदद करके। टीचर मोनिका के कहने पर गरिमा स्कूल की छुट्टी के बाद रुक गई। गरिमा बेटा, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर है, काश मेरे भी बाल इतने सुंदर होते। अरे तुम्हारे बाल कितने बिखरे हुए हैं, मुझे बहुत सुंदर चुटिया बनानी आती है, तुम बैठो मैं तुम्हारी चुटिया बना देती हूँ। गरिमा की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज उसकी क्लास टीचर मोनिका उस पर इतना प्यार जो बरसा रही थी। मोनिका उसे कुर्सी पर बिठाकर और उससे प्यार से बातें करने लगी। फिर चुपके से मोनिका ने गरिमा के कैंची से थोड़े बहुत बाल काट दिए। गरिमा को इस बात का पता नहीं चलता। गरिमा बहुत खुश थी क्योंकि उसकी टीचर उससे अच्छे से बात करने लगी थी। अब गरिमा रोजाना किसी न किसी काम की वजह से स्कूल की छुट्टी होने के बाद रुक जाया करती थी। अब तो उसकी क्लास टीचर मोनिका ने उसे क्लास मॉनिटर भी बना दिया था। गरिमा के माता पिता भी इस बात से बहुत खुश थे कि गरिमा का स्कूल में मन लग गया है। पर धीरे धीरे गरिमा के बाल छोटे होने लगे। एक दिन गरिमा अपने बालों में कंघी कर रही थी, तब उसकी माँ सुनीता उससे बोली, बिटिया तेरे बाल इतने छोटे कैसे हो गए, तूने तो कटवाए भी नहीं, दिखा तो जरा, कहीं किसी सहेली ने तो नहीं काट दिए? पता नहीं माँ, मैंने तो बाल नहीं कटवाए, फिर छोटे कैसे हो गए मुझे नहीं पता, और न ही किसी सहेली ने मेरे बाल काटे हैं।
अरे भाग्यवान, तुम भी बच्ची से बेकार की बातें पूछ रही हो। बड़ी मुश्किल से तो उसका स्कूल में मन लगा है, अब तुम उसके बालों के पीछे पड़ जाओ। वैसे भी बाल तो घर की खेती है, जब मर्जी बढ़ा लो जब मर्जी कटवा लो, बदलते मौसम की वजह से बाल झड़ते भी तो हैं। जा बेटी जा, तुम तैयार होकर स्कूल जाओ। वहीं दूसरी और क्लास टीचर मोनिका ने हर रोज गरिमा के थोड़े थोड़े बाल काटना जारी रखा। एक दिन जब उसने किसी बहाने से गरिमा को रोका तो उसने कैंची से गरिमा के ज्यादा ही बाल काट दिए और इत्तेफाक से गरिमा की नजर कैंची और कटे हुए बालों पर पड़ गई। ये देख गरिमा रोते हुए बोली, मैडम जी आपने मेरे बाल काट दिए। इसका मतलब मेरे बाल तभी छोटे हो रहे थे, आप किसी न किसी बहाने से हर रोज मेरे बाल काट रही थी। लेकिन क्यों, मैं सबको बता दूंगी कि आपने मेरे बाल काटे हैं। तभी वहाँ टीचर जानवी भी आ गई और गुस्से से बोली, मैडम मोनिका इस लड़की की इतनी लंबी जुबान, ये तुम्हारी पोल खोल देगी। अरे ऐसे कैसे बताएगी, ये जानती नहीं हम कौन हैं। ए लड़की, इस बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुझे फेल कर दूंगी, समझी? चुपचाप हमें बाल काटने दे। ये सुन गरिमा घबरा गई, वो किसी से कुछ भी नहीं बोल पाई। इस बार दोनों टीचर ने मिलकर गरिमा के सारे बाल काट दिए, वो पूरी तरह गंजी हो गई। वो रोते रोते एक सुनसान सड़क पर चलती जा रही थी, उसे पता ही नहीं चला कि वो घर के रास्ते नहीं बल्कि जंगल की तरफ जा रही थी। फिर वो पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। अब मैं क्या करूं, मेरे सारे बाल टीचर ने काट दिए। अगर मैंने किसी से कुछ भी कहा तो वो मुझे फेल कर देंगी, फिर माँ और बाबा कितने दुखी होंगे। अब मैं क्या करूं, अपना गंजा सिर लेकर मैं कहाँ जाऊं। ये कहते हुए गरिमा फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहाँ एक सुंदर परी प्रकट हुई और बोली, बेटी तुम रो क्यों रही हो, बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। गरिमा ने रोते हुए अपनी सारी दुख भरी बात बताई। ये सुनकर परी ने तुरंत ही गरिमा के सर पर हाथ रखा और देखते ही देखते गरिमा के सर पर लंबे घने बाल आ गए। ये देखकर गरिमा खुश होते हुए बोली, अरे वाह इतने सुंदर बाल। पर ये कहते ही गरिमा उदास हो गई। तभी परी बोली, चिंता मत करो गरिमा बेटा, अब तुम्हारे बाल जादुई हैं। अब जो भी तुम्हारे बाल काटने की कोशिश करेगा वो गंजा हो जाएगा, और जब तक वो सच्चाई नहीं बताएगा उसके बाल वापस नहीं आएंगे। यही सजा तुम्हारे बाल काटने वाले को मिलेगी। अब तो खुश हो ना। आप कितनी अच्छी हो परी। तुम भी बहुत प्यारी बच्ची हो। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मेरा परी लोग जाने का समय हो गया है। इतना कहकर परी गायब हो गई और गरिमा खुशी खुशी अपने घर चली गई। अगले दिन गरिमा के लंबे बाल देखकर टीचर मोनिका हैरान रह गई। फिर स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों टीचर मिलकर, मोनिका और जानवी मिलकर जब गरिमा के बाल काटने लगे, लेकिन गरिमा के बाल तो वो दोनों काट ही नहीं पाए, फिर दोनों गंजे हो गए। मैं गंजी कैसे हो गई? अरे जानवी मैडम आप भी गंजी हो गई, ये कैसे हुआ? हम दोनों गंजी कैसे हो गए? अब हम दोनों गंजा सर लेकर क्लास से बाहर कैसे जाएंगे? सब लोग हम पर हंसेंगे, हमारे बाल कहाँ चले गए? तभी गरिमा बोली, आप दोनों के बाल तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक आप दोनों प्रिंसिपल मैडम और सबके सामने अपनी गलती को स्वीकार नहीं करोगे। अब आया मजा, आप दोनों मेरे बाल काट कर कितना खुश हो रही थी ना। मैं अभी जाकर प्रिंसिपल मैडम और बाकी स्टाफ मेंबर को बुला कर लाती हूँ। इतना कहकर गरिमा सबको बुला कर लाई और सबके सामने सारी सच्चाई बताती है। मोनिका और जानवी अपनी गलती मान लेती हैं। दरअसल वो दोनों गरिमा के बाल काट कर बेचा करती थीं। वास्तव में वो बाल बेचने का व्यापार करती थीं। सारी सच्चाई जानकर स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस संजना कपूर गुस्से से बोली, मोनिका मैडम और जानवी मैडम आप टीचर के नाम पर धब्बा हो। आप दोनों पैसों के लालच में टीचर का पद भी भूल गईं कि टीचर तो भगवान का रूप होते हैं। आप दोनों को शर्म आनी चाहिए, मैं आप दोनों को इसी समय स्कूल से निकाल रही हूँ और आप दोनों को किसी भी स्कूल में टीचर की नौकरी नहीं मिलेगी। मैं सारे स्कूल में अभी फोन करके मना कर दूंगी, आपके सारे सर्टिफिकेट छीन लिए जाएंगे। गरिमा बेटा वेरी गुड, तुम बहुत बहादुर बच्ची हो, तभी तो परी के रूप में गॉड ने तुम्हारी हेल्प की। गॉड ब्लेस यू बेटा। टीचर मोनिका और टीचर जानवी के बाल तो वापस आ गए, लेकिन उन्हें टीचर का पद कभी वापस नहीं मिला। उनकी सारी डिग्रियां छीन ली गई। आज वो दोनों अपने किए पर बहुत पछता रही थीं। वहीं दूसरी ओर उस दिन के बाद से स्कूल में सभी गरिमा से प्यार से बात करने लगे। अब कोई भी गरिमा के काले रंग से नफरत नहीं करता था। जादुई बाल की वजह से गरिमा की जिंदगी खुशियों से भर गई।
समुद्र किनारे बसे एक छोटे से गांव में मयूरी अपनी बूढ़ी माँ शारदा के साथ रहती थी। जब मयूरी 5 साल की थी तब उसके पिता रामलाल की अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से मृत्यु हो गई थी। पति रामलाल के इस तरह अचानक चले जाने के बाद शारदा ने दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम कर बड़ी मुश्किलों से अपनी बेटी मयूरी को पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ मयूरी की माँ शारदा बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी। अब शारदा से पहले की तरह काम नहीं हो पाता था। इस वजह से मयूरी घर खर्चा चलाने के लिए माँ शारदा की जगह दूसरों के घरों में काम करने लगी। लेकिन सुबह से शाम तक दूसरों के घरों में काम कर मयूरी को बहुत कम पैसे मिलते थे। ये सोच मयूरी परेशान होने लगी। इतने कम पैसों में क्या होगा, माँ की दवाइयाँ, घर का राशन पानी, इतने कम पैसों में कैसे हो पाएगा ये सब कुछ, मुझे कुछ और काम करना होगा। ये कहकर मयूरी सोच में डूब गई। फिर कुछ देर बाद मयूरी के दिमाग में एक तरकीब आई। वो अपनी माँ से बोली, माँ इतने कम पैसों में घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं सोच रही थी हमारे घर के पीछे जो छोटा सा बगीचा है वहाँ मैं सेब का पेड़ लगाऊंगी, फिर उन सेब को बाजार में बेचकर पैसे कमाऊंगी। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटी, लेकिन बीज खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, घर में रखे सारे पैसे तो खत्म हो गए हैं। माँ आप चिंता मत करो, मैंने कुछ पैसे गुल्लक में जमा किए हैं, मैं उन पैसों से बीज खरीद कर लाऊंगी। मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है, मुझे तुझ पर गर्व है। तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मयूरी गुल्लक से पैसे निकालकर बाजार जाकर बीज लेकर आई, फिर उन बीजों को लेकर अपने बगीचे में बो दिया। सही समय पर पानी और खाद देकर कुछ ही महीनों में सेब के पेड़ जल्दी बड़े हो गए और रसीले सेबों से भर गए। ये देखकर मयूरी को बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही एक दिन मयूरी सेब के पेड़ पर पानी देने के लिए बगीचे में गई। वो जैसे ही बगीचे में जाकर सेब के पेड़ों पर पानी डालने लगी तभी उस सेब के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी परी बैठकर सेब खा रही थी। उस बूढ़ी परी के सारे कपड़े गीले हो गए। दुष्ट लड़की, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर पानी डालने की, तुझे दिखाई नहीं दिया कि मैं यहाँ बैठकर सेब खा रही थी। परी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर जानबूझकर पानी नहीं डाला, ये मेरे सेब का बगीचा है, मैं तो पेड़ों को पानी देने आई थी। मयूरी की बात सुनकर परी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। नहीं, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये कहकर बूढ़ी परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और हंसते हुए वहाँ से चली गई। मयूरी को उस समय को समझ नहीं आया और वो पेड़ों को पानी देते हुए सोचने लगी। अरे परी ने तो अपनी जादुई छड़ी घुमाई थी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये कहकर मयूरी घर वापस चली गई। फिर अगले दिन जब मयूरी पानी देने बगीचे में आई उसने देखा पेड़ों पर जो सेब लगे हुए थे सारे सड़ चुके थे। ये देखकर मयूरी रोने लगी। तभी मयूरी को किसी की आवाज सुनाई दी। उसने पेड़ की तरफ देखा तो उसे एक सोने की तरह चमकता हुआ एक सेब दिखाई दिया। वो बोला, क्या हुआ, अब तुम्हें बुरा लग रहा है? अरे तुम बोल सकते हो? हाँ, क्योंकि मैं उस बूढ़ी परी का जादुई सेब हूँ और जब तक मैं इस पेड़ पर हूँ तब तक इस पेड़ पर मैं रसीले सेब लगने नहीं दूंगा। मुझे माफ कर दो, मैंने बड़ी मुश्किलों से सेब का बगीचा लगाया है, अगर मैं इन सेबों को नहीं बेचूंगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा और जिन लोगों से पैसे उधार लिए हैं मैं उन्हें कैसे पैसे चुकाऊंगी? ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अगर तूने मुझे यहाँ से हटाने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हारे घर को आग से जला दूंगा। उस घमंडी सेब की बातें सुनकर मयूरी दुखी हो गई। फिर वो रोते हुए माँ के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। बेटी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने जानबूझकर उस परी के साथ ऐसा नहीं किया, लगता है वो कोई घमंडी परी थी इसलिए उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। लेकिन माँ अब मैं उन सेबों को बाजार में कैसे बेचूंगी, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा माँ? बेटी तुमने जो सेब उगाए हैं उनमें थोड़े बहुत ही काले धब्बे हैं, तुम एक बार उन सेबों को बाजार ले जाकर देखो, शायद वो बिक जाए। अपनी माँ की बात मानकर मयूरी पेड़ों से सेब तोड़ने लगी। ये देखकर घमंडी सोने का सेब हंसने लगा। तुझे क्या लगा तू ये खराब सेब बाजार में ले जाकर बेच पाएगी, तू तो बहुत ही बेवकूफ लड़की है।
लेकिन मयूरी ने उस घमंडी सेब की एक भी बात नहीं सुनी और पेड़ पर से सारे सेब तोड़कर उन्हें बेचने बाजार ले गई। फिर वहाँ एक दुकानदार को अपने बगीचे से लाए हुए सेब दिखाए। उनमें से एक दुकानदार उन सेबों को देखकर बोला, ए लड़की, कहीं तू पागल तो नहीं है? क्या हम ऐसे सड़े हुए सेब तुझसे खरीदेंगे? क्या तूने हमें बेवकूफ समझा है? माफ कीजिए, पर ये सेब सिर्फ दिखने में ही खराब है लेकिन अंदर से बहुत स्वादिष्ट है। आप एक बार इन सेबों को खरीद कर तो देखिए। अगर सेब दिखने में ही खराब है तो इन्हें खरीदेगा कौन? तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना सभी दुकानदार मिलके तुम्हें यहाँ पर कभी पैर रखने नहीं देंगे, समझी? ये कहकर दुकानदार ने मयूरी को वहाँ से भगा दिया। रोते हुए मयूरी सारे सेब लेकर घर वापस चली गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मयूरी ने जिन लोगों से कर्जा लिया था समय रहते चुका नहीं पाई और घर की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। ऐसे ही एक दिन दुखी होकर मयूरी जंगल के पास एक नदी किनारे बैठकर अपनी किस्मत को कोस रही थी। मैं तो अपने हालात ठीक करना चाहती थी लेकिन ये सब मेरे साथ क्या हो गया? लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। ये कहते हुए मयूरी उदास हो गई। तभी उसे कुछ दूर एक पेड़ के नीचे मूर्छित अवस्था में एक सुंदर परी दिखाई दी। लगता है वहाँ कोई बेहोश पड़ा हुआ है, शायद उन्हें मदद की जरूरत है, मैं चलकर देखती हूँ। ये कहते हुए मयूरी उस सुंदर परी के पास गई। वहाँ जाकर उसने देखा एक सुंदर सी परी घायल अवस्था में पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी। ये देखकर मयूरी थोड़ा घबरा गई। ये परी तो बेहोश हो गई है, मुझे इन्हें होश में लाना होगा। मैं इन्हें पानी पिलाती हूँ, शायद इन्हें होश आ जाए। ये कहते हुए मयूरी ने दौड़ते हुए नदी से पानी लाकर मूर्छित परी को पिलाया। पानी पीते ही परी को होश आ गया। तुम्हारा धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी जान बचाई। तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? इसमें शुक्रिया कैसा, माँ ने मुझे सिखाया है मुसीबत में हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए और यदि कोई गलती हो जाए तो उसकी माफ़ी भी मांगनी चाहिए। लेकिन आप बेहोश कैसे हुई? दरअसल मैं एक दुष्ट शैतान परी का पीछा कर रही थी लेकिन वो मुझे चकमा देकर भाग गई और मैं उसका पीछा करते हुए एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो गई। क्या शैतान परी, क्या वो दिखने में बूढ़ी थी? ये कहते हुए मयूरी ने उस परी को अपनी आप बीती बताई। सारी बात सुनकर वो परी बोली, उस दुष्ट परी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। ये कहते हुए परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक जल से भरा हुआ कलश प्रकट किया और वो पानी का कलश मयूरी को देते हुए बोली, इसमें परीलोक का जादुई पानी है, इस पानी को ले जाकर तुम अपने बगीचे के चारों तरफ छिड़क देना, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ, मुझे उस दुष्ट परी को पकड़ना ही होगा। ये कहते हुए परी वहाँ से चली गई। मयूरी भी जादुई कलश लेकर वापस अपने घर लौट आई। फिर जैसे ही उसने जादुई कलश में रखा हुआ पानी बगीचे के चारों तरफ छिड़का, पेड़ पर लगा सोने का जादुई घमंडी सेब जलने लगा और जलकर राख हो गया। फिर देखते ही देखते कुछ देर बाद पेड़ फिर से रसीले सेबों से भर गया। ये देखकर मयूरी खुशी से नाचने लगी। उसके बाद मयूरी धीरे धीरे सेबों को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाने लगी और कुछ ही दिनों में वो बहुत अमीर हो गई। मयूरी के पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब वो अपनी माँ के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की घमंडी सोने के सेब की कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे किट्टू टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आपसे मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। मोतीपुर नामक गांव में साक्षी और सेजल नाम की दो बहनें रहती थी। साक्षी का रंग काला था लेकिन वो बहुत गुणों से भरी और समझदार लड़की थी। सेजल बहुत सुंदर थी लेकिन वो बहुत घमंडी और लालची लड़की थी। सेजल अपनी बहन साक्षी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसी से घर का सारा काम करवाती थी। एक दिन साक्षी सेजल का मेकअप लगा रही होती है, ये देखकर सेजल बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरा मेकअप लगाने की? तुझे पता भी है कितना महंगा था ये, तो कितना भी मेकअप लगा ले लेकिन रहेगी तो काली चुहिया ही। सेजल, तुम तो मेरी बहन हो,
इसलिए जो तुम्हारा है वो मेरा भी है, तो मैं तुम्हारा मेकअप क्यों नहीं लगा सकती हूँ? तू और मेरी बहन, जरा खुद को आईने में देख, तू मेरी बहन नहीं हो सकती। चल अब निकल मेरे कमरे से। अगर अब तूने दोबारा मेरे सामान को हाथ लगाने की कोशिश की तो तेरा हाथ तोड़ दूंगी, समझी तू? अपनी बहन की बात सुनकर साक्षी उदास होकर अपने कमरे में आ जाती है। उसे गांव के जंगल के गुफा में एक बुरी डायन रहती थी। एक दिन डायन ने नदी के किनारे एक मेकअप का पेड़ लगाया। आखिरकार मैंने यहाँ मेकअप का पेड़ लगा ही लिया। अब इस पेड़ में से कोई भी लड़की मेकअप तोड़कर लगाएगी तो मेरे वश में आ जाएगी और फिर मैं लड़कियों की बलि देकर विश्व की शक्तिशाली डायन बन जाऊंगी। एक दिन सेजल अपनी कुछ सहेलियों के साथ नदी के किनारे घूमने जाती है। उसकी नज़र धूर्त मेकअप के पेड़ पर पड़ती है। पेड़ पर इतना सारा मेकअप किट लगा देख सेजल अपने दोस्तों से कहती है, अरे जरा देखो इस पेड़ पर कितने सारे मेकअप किट लगे हैं। मैंने तो ऐसा मेकअप इससे पहले कभी नहीं देखा। लगता है साइंस ने कुछ ज्यादा ही तरक्की कर ली है, तभी तो देखो आज मेकअप का पेड़ भी उग रहे हैं। हाँ यार, मैंने भी इससे पहले कभी भी मेकअप का पेड़ नहीं देखा है। पर ये मेकअप का पेड़ यहाँ आया कैसे? अरे छोड़ो ना, कहीं से भी आया हो, है तो हमारे काम का ही ना। अब जल्दी से मेकअप तोड़ लेते हैं। इतना कहकर सेजल अपने दोस्तों के साथ मेकअप तोड़ने लगती है। घर आकर सेजल अपने दोस्तों के साथ मेकअप लगाने लगती है। मेकअप लगाते ही तीनों सहेलियां डायन की गुफा में पहुंच जाती है। अपने आप को गुफा में देखकर तीनों बहुत डर जाती है। तभी वहां पर डायन आती है और बोलती है, अरे वाह, तुम तीनों का यहाँ स्वागत है। मुझे पता था जब तुम लोग मेरे जादुई मेकअप के पेड़ को देखोगी तो उस पर टूट पड़ोगी। धीरे धीरे और भी लड़कियां उस मेकअप को लगाएगी और मेरे वश में आ जाएगी। मैं इन सब की बलि देकर विश्व की सबसे शक्तिशाली डायन बन जाऊंगी। हम सब तुम्हारे सामने अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, प्लीज हमें छोड़ दो। नहीं, ये मेकअप तो मैंने तुम लोगों के लिए ही लगाया है। अब जब तक यहाँ और लड़कियाँ नहीं आ जाती तब तक तुम तीनों यहीं बैठकर मेकअप लगाओ। दूसरी तरफ सेजल को घर पर ना देखकर साक्षी बहुत परेशान हो जाती है। साक्षी सेजल को ढूंढने के लिए उसके सहेलियों के घर जाती है। सेजल के सहेलियों के घर जाकर साक्षी को पता चलता है कि उसकी सहेलियां भी घर से गायब हैं। साक्षी सेजल को हर जगह ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। थक हार कर साक्षी वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहां से एक बूढ़ी औरत गुजर रही होती है। साक्षी को यूं उदास देख बूढ़ी औरत कहती है, बेटी तुम इतने परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताऊं अम्मा, मैं अपनी छोटी बहन को कल से ढूंढ रही हूं, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिल रही। चाहे वो मुझे पसंद ना करती हो लेकिन मुझे बताए बिना कहीं नहीं जाती। उसकी बातें सुनकर बूढ़ी औरत कहती है, बेटी गांव से बहुत सारी लड़कियां गायब हो रही है। हाँ अम्मा, जब मैं सेजल के दोस्तों के घर गई तो वो सभी अपने घर पर नहीं थे। पता नहीं सारी लड़कियां कहाँ जा रही हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ, गांव के जंगल में एक गुफा है। गुफा के अंदर एक जालिम डायन रहती है। उस डायन ने नदी के किनारे एक जादुई मेकअप का पेड़ लगाया है। उस मेकअप के पेड़ को लगाते ही गांव की लड़कियां उस डायन के वश में हो जाती है। साक्षी उस बूढ़ी औरत के साथ उसी जादुई मेकअप के पेड़ के पास जाती है। तभी साक्षी देखती है कि गांव की एक और लड़की मेकअप लगा रही होती है। मेकअप लगाते ही वो लड़की गायब हो जाती है। तुमने देखा ना बेटी, कैसे मेकअप लगाते ही गांव की एक और लड़की गायब हो गई। अब ये लड़की भी डायन के वश में चली गई है। अम्मा मुझे अपनी बहन को बचाना है। मैं अपनी बहन को डायन के वश से आजाद करके ले आऊंगी, चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए। साथ ही गांव की सभी लड़कियों को भी आजाद करवाऊंगी। साक्षी तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करती है,
लेकिन तुम उसे बहुत प्यार करती हो, इसलिए अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाने जा रही हो। वो डायन बहुत शक्तिशाली है, तुम उससे नहीं लड़ पाओगी। ये लो बेटी गंगा जल, इसे किसी भी तरह से डायन पर छिड़क देना। साक्षी भी उस मेकअप को लगा लेती है और डायन के गुफा में पहुंच जाती है और बोलती है, दोस्त डायन, मैं जानती हूँ तूने मेरी बहन और बाकी लड़कियों को अपने वश में कर रखा है, उन्हें आजाद कर दे वरना मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी। उसकी आवाज सुनकर वहाँ डायन आती है और कहती है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तू एक मामूली लड़की है और मेरे पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं। अब मैं तुम सबकी बलि एक साथ दूंगी। इतना कहकर डायन जोर जोर से हंसने लगती है। साक्षी ने जल्दी से गंगा जल निकाल कर डायन पर छिड़क दिया। गंगा जल छिड़कते ही डायन का शरीर जलने लगा। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा शरीर क्यों जल रहा है, कोई बचाओ मुझे, बचाओ। थोड़ी ही देर में ही डायन जलकर राख हो जाती है। डायन के मरते ही सभी लड़कियां डायन के चंगुल से आजाद हो जाती है। सभी लड़कियों ने साक्षी का शुक्रिया अदा किया। सेजल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने साक्षी से माफी मांगी। साक्षी मुझे माफ कर दो, तुम्हारे काले रंग की वजह से मैंने तुम्हें ना जाने क्या क्या कहा है, फिर भी तुम मेरी जान बचाने के लिए यहाँ आई। तुम दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। इतना कहकर सेजल साक्षी को गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद से दोनों बहन एक साथ खुशी से रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।